आहोर कस्बे में श्रीमद् भागवत मानव मात्र का शास्त्र है। कथावाचक राजयोगिनी भारती दीदी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आहोर के तत्वाधान में आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ दोपहर 1 बजे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभागार में तहसील दार आहोर व आहोर मठाधीश सुंदरपुरी महाराज के सानिध्य में कथावाचक आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी मीरा दीदी ने बताया कि तहसीलदार आहोर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे धार्मिक व आध्यात्मिक कार्य वर्तमान समय की आवश्यकता है। आहोर मठाधीश सुंदरपुरी महाराज ने बताया कि सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसे धार्मिक कार्य होते रहने चाहिए जिससे समाज में चरित्र उत्थान व नैतिकता का उठान होता है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में किशोर सोनी व निर्मला सोनी के द्वारा भागवत पूजन किया गया, तत्पश्चात भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। राजयोगिनी भारती दीदी ने भागवत कथा का वाचन करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है तथा गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ जीवंत शास्त्र है। यह धार्मिक ग्रंथ के साथ मानव मात्र के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति का शास्त्र है जो हमें कर्म योगी बनाता है। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी मीरा दीदी ने बताया कि प्रतिदिन 1 से 4 तक इस भागवत कथा का वाचन चलेगा जिसमें गीता के 18 अध्याय के बारे में बताया जाएगा। साथ ही रामायण भागवत महाभारत के दृष्टांत के साथ साथ भजन कीर्तन भी करवाया जाएगा। भागवत कथा के पहले दिन सैकड़ों माताओं बहनों बच्चों को भाइयों ने भागवत कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम के समापन में सांडेराव सेवा केंद्र की कंचन बहन आहोर सेवा केंद्र संचालिका संतोषी बहन ने तहसीलदार हितेश त्रिवेदी आहोर जूना अखाड़ा आहोर मठाधीश सुंदरपुरी को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती की गई और ईश्वरीय प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी स्नेहा बहन ने किया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी मिथिलेश बहन बाबूलाल भाई मांगीलाल भाई पुखराज भाई भी उपस्थित रहे। तो मैं वास्तविक मैं आत्मा। अब कई बार कई लोगों से पूछते हैं आप विद्या